हम बात कर रहे हैं HFCL की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 1% के ऊपर की गिरावट के साथ स्टॉक ने हमको क्लोजिंग दिखाई है। मार्केट की गिरावट के साथ साथ HFCL में भी गिरावट है। 170 के लेवल से स्टॉक ने ऑलमोस्ट रिजेक्शन फेस किया है। उसके बाद ज़रा इस चार्ट पैटर्न को देखिए। रिजेक्शन के बाद गिरावट आई, जंप आया, रिजेक्शन लेकर लो ब्रेकडाउन, अगेन छोटा मोटा जंप, रिजेक्शन लिया है और लो ब्रेकडाउन किया, अगेन जंप आया था 138-140 का लेवल, जिसको हमने मेजर सपोर्ट के तौर पर डिस्कस किया था, उसी लेवल से जंप आया। तो जंप कहाँ तक का दिखाया, 144 तक का, जो इसका पहले सपोर्ट लेवल था। अब रेजिस्टेंस का काम किया, इसने ब्रेकडाउन कर चुका था ना, तो रेजिस्टेंस का काम किया, वहाँ से गिरावट दिखाई है, लेकिन अपने सपोर्ट लेवल पर क्लोजिंग दिखा गया है। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था 138-140 जो कि इसका मेजर सपोर्ट है। जब तक HFCL इसके ऊपर है, अपसाइड के चांस बने हुए हैं और लगातार सेलिंग स्टॉक में देखने के लिए मिल रही। मार्केट ने भी गिरावट का सिग्नल दे चुका है। अगर इससे पहले के चार्ट पैटर्न को हम HFCL के देखेंगे तो हमको IRI चार्ट पैटर्न देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन 170 के रिजेक्शन के बाद लो और लो चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है। तो अब इस गिरावट के साथ हमको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, क्योंकि मार्केट में भी गिरावट है और HFCL भी गिरावट दिखा रहा है। अगर 138-140 का सपोर्ट ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर ऐसी सिचुएशन में नीचे की ओर जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा, देख सकते हो इससे पहले जो स्टॉक ने सपोर्ट किया है ऑलमोस्ट 130-132 का लेवल, और इस लेवल को ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर 120 तक का भी फॉल दिखा सकता है। लेकिन आप अगर स्टॉक में जंप आता है, बाउंस बैक करता है, तो देख सकते हैं इससे पहले जहां से रिजेक्शन फेस किया था 144 का लेवल इमीडिएट टारगेट बनेगा, और बाउंस बैक करके ये जो हाई है 152 का लेवल नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा और मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इस लेवल को स्टॉक ब्रेकआउट कर गया 152 के लेवल को और इसके ऊपर सस्टेन हो गया, तो फिर अगेन यहाँ से रिकवरी के चांस बनेंगे, फिर यहाँ से HFCL रिकवरी दिखाता नज़र आ सकता है। तो अब जंप आता है तो 144 और 152 तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन थोड़ा सा अवेयर रहकर भी चलना है, क्योंकि जो वार की सिचुएशन मिडल ईस्ट में बनी हुई है और मार्केट ने भी गिरावट का सिग्नल दिया है, तो इस पर फिलहाल नज़र रखकर चलना ही ठीक रहेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।